वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए जो न्यू अपडेट आया हुआ है इसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताते हुए मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि इस समय 2019 में जो गवर्नमेंट ने और फिर जो है इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ने जो आपस में एक अनुबंध किया हुआ है, आपस में एक समझौता किया हुआ है जिसमें ये है उसके सेफ्टी ऑफिसर जॉब के रिगार्डिंग। अब ये चीज क्या अनुबंध हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस समय लाखों नौकरियां, चाहे वो हेल्थ सेफ्टी की हो या फायर सेफ्टी की हो, वह आपके देश में ही भी अवेलेबल होने वाली हैं, ये आपके 16 अगस्त के बाद से। जी हाँ, इसमें करना क्या है, इसमें जो है जो अनुबंध हुआ है उस अनुबंध में ये बताया गया कि ऐसा करते हैं कि जो जो लोग जितने भी हमारी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं जो बढ़ रही हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड और भी इसके अलावा जो भी कमर्शियल जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें आए दिन कुछ न कुछ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो क्यों न इसको जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इनको रोकने के लिए कुछ ऐसी बातें की जाए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाए जिससे कि ये घटनाएं घटना बंद हो जाए। अभी हाल ही में आप देखिए कि एक इंडिया में एक जगह एक कोचिंग में आग लगा और वहां पे काफी लोग मारे गए, वह एक मायने रखता है। फिर अभी जो है एक और जो है आग से हादसा हुआ, उसमें ये सारी चीजों को देखने के बाद से लोगों ने जो सोचा उसमें, तो ये कंपलसरी कर दिया गया। अब ये कंपलसरी हो गया कि आप कौन कौन से लोग हैं जिन्हें अपने यहाँ हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर दोनों रखने जरूरी हैं। अगर वो नहीं रखता है तो फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। जी हाँ, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। अब इसके लिए जो है आपके इंडिया से लेकर के और गल्फ तक हर जगह, अगर हम गल्फ ही की मैं दो देश की इसलिए बात कर रहा हूँ कि चूंकि आप गल्फ से और इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जो अनुबंध साइन हुआ, उसमें हम लोगों के लिए काफी बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैं आज वहां की भी चर्चा कर रहा हूं। इसमें क्या होगा कि जैसे कि जो लोग भी छोटे, पहले क्या था कि छोटे इंटरप्राइजेज जो होते हैं थे और ये छोटे व्यवसायी होते थे, उनको सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इस अनुबंध ने ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि आपको जो है ये करना होगा। तो हेल्थ सेफ्टी की जो बात है 2019 के अंतर्गत जो है ये सारी चीजें ये लागू की गई हैं, जो आपको 16 अगस्त से अप्लाई हो जाएंगी और हर जगह होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें अब ये बात आती है कि आखिर कौन कौन से सेक्टर हैं, कहाँ पे कौन से लोग जो हैं में नया जॉब की संभावना हमें दिखेगी और जॉब मिलने की संभावना है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे मैं 5 ही बात करूंगा, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन पहली बात जैसे होटल्स में क्या होता था कि कोई सेफ्टी ऑफिसर नहीं रहता था, या जो बहुत बड़े होटल्स हैं 5 स्टार्स होटल इत्यादि, वहीं पे इसकी व्यवस्था होती थी, अदरवाइज दूसरा कोई भी नहीं रखता था। होटल हो गया, आपका बैंक हो गया, स्कूल हो गया, फर्म्स हो गए, या पब्लिक सेमिनार से रिलेटेड कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, उनको भी इस चीज़ को रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें में इस तरह से लेकर के एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 करके 12 पॉइंट्स ऐसे दिए गए, उस 12 पॉइंट्स में ये आ जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो जॉब ऑलरेडी जो जॉब थे वो तो काफ़ी कंपटीशन होता था, इंटरव्यू होते थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन अब मैं बताऊँ आपको, आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा जब जॉब अवेलेबल होंगे तो आपको इजी वे में जॉब मिलेगा और हर व्यक्ति को जॉब अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात, अभी मैं बार बार भी बताता हूं और अक्सर मैं कहता रहता हूं कि आपको जो भी निर्णय, आप देखिए पैसे कहीं खर्च करते हैं, पैसे दे करके, एक्स्ट्रा पैसे दे करके कोशिश करते हैं कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। हाँ, बहरहाल अगर उन पर भरोसा है और आपने बहुत अच्छी तरह से जांच लिया, परख लिया, तो जरूर ऐसा करिए, लेकिन अगर आपको कहीं भी सस्पेक्ट होता है या संदेह होता है तो वहां से जरूर हट जाइए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बताऊं आपको, और हर कदम पे एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको चूना लगा सकता है, आपके पैसे को हड़प सकता है, लूट सकता है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो इनसे भी सावधान रहने की आपको जरूरत है।
तो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर अगर आप हैं या फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो वक्त धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, आप तैयारी में रहिए क्योंकि बहुत जल्दी ये ओपनिंग होगी और होटल से लेकर के बैंकों से लेकर के इस सारी जगह पे एक एक डिपार्टमेंट रखे जाएंगे और सेफ्टी ऑफिसर भी रखे जाएंगे। तो इस बात को आप नज़र में रखें, अगर जैसे ही इस चीज़ की ओपनिंग आती है आप तत्काल अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद से आप अपने नज़दीक में आप जहां भी हैं वहां पे नौकरी ले सकते हैं। और बहुत, हाँ, एक सैलरी की जो मैं बात कर लूँ, सैलरी का भी अनुबंध है कि आपको मिनिमम सैलरी इतना देना ही देना है, इससे आप कम नहीं दे सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो होंगी वो डिजिटलाइज होंगी और गवर्नमेंट के निगरानी में होगी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ ही हम आपसे फिर चाहेंगे कि इजाज़त लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। आप भी यदि आप सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सॉरी बेस्ट सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SST इंडिया अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह हेल्थ सेफ्टी कोर्स के लिए और फायर सेफ्टी कोर्स के लिए आपके लिए और आपके बजट में जो है बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ यह इंस्टीट्यूट है जो यूपी के देवरिया जिले में स्थित है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।